चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट पैरामीटर्स के बारे में, है ना। आज किस बारे में बात करेंगे? स्टेट पैरामीटर्स। देखो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है ना। देखो स्टेट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स है ना, या हम लोग बोल सकते हैं स्टेट, दोनों सेम ही चीज है बेटा, वेरिएबल्स। तो स्टेट पैरामीटर्स या फिर स्टेट वेरिएबल। देखो सुनो, सबसे पहले समझो कि क्या होते हैं स्टेट पैरामीटर और स्टेट वेरिएबल, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो कुछ ऐसे वेरिएबल्स यानी कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से स्टेट बदल रही है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेट बदल रही है। मानो मैं सिस्टम, अब किसी कारण से अगर मेरी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि सिस्टम सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया फिर गैस, है ना, ये नहीं है। स्टेट का मतलब है कि पहले गैस का वॉल्यूम कुछ और था अब बदल गया, इस तरह से। तो बहुत ध्यान से समझना है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेट पर अफेक्ट पड़े वो क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल या पैरामीटर होते हैं। जैसे टेम्परेचर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल। मेरे पास एक सिलेंडर था, उसमें फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है। देखो फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर है गैस। नॉर्मली हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? आइडियल गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? आइडियल गैस। अब आपने क्या किया, पहले टेम्परेचर था T1, अब आपने टेम्परेचर कर दिया T2, है ना। आपने क्या कर दिया, आप इसको इसको टेम्परेचर दिया T2, और मैं बोल रहा हूं T2 इज ग्रेटर देन T1। बहुत ध्यान से देखना, T2 टेम्परेचर क्या है? T1 से ज्यादा है, यानी आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस को एनर्जी मिलेगी। गैस को एनर्जी मिलेगी तो गैस के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, और गैस के मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो पिस्टन कहां मूव करेगा? ऊपर की तरफ। यानी गैस की स्टेट चेंज हो गई, पहले गैस की स्टेट ये थी और अब पिस्टन मूव करके मान लो यहां पे आ गया, तो गैस की स्टेट क्या हो गई? ये हो गई। इसका मतलब बोलो क्या टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेट चेंज हो सकती है। सेम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर चेंज करने पे भी क्या होगा, चेंज हो जाएगी। यानी केटीजी में पढ़ा था चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसैक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो ये सारे के सारे जो लॉ है ना, ये इन पैरामीटर्स को ही डिफाइन कर रहे हैं सारे के सारे लोग। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर से वेरी हुआ, अच्छा नंबर ऑफ मोल अगर चेंज होंगे तो भी स्टेट चेंज होगी, प्रेशर चेंज होगा तो भी स्टेट, वॉल्यूम चेंज होगा तो भी स्टेट चेंज होगी। यानी कुछ भी ऐसे पैरामीटर्स, कोई भी ऐसा पैरामीटर जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेट बदल जाए वो क्या होते हैं? स्टेट पैरामीटर्स होते हैं। बोलो क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चलो इसको लिख दूं जरा। चलो तो अगर हम इसको लिखें तो क्या बोल सकते हैं, द वेरिएबल्स, देखो यहां पे लाइट तो नहीं आ रही, द वेरिएबल्स विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट पैरामीटर्स या फिर स्टेट वेरिएबल्स। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा एग्जाम्पल ले जरा, बताओ अगर हम स्टेट पैरामीटर या स्टेट वेरिएबल के एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे पहला तो टेम्परेचर, वेरी गुड, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और मोल्स और मास ऑफ गैस। तो देखो चार पांच स्टेट पैरामीटर आ गए, इन पैरामीटर के चेंज होने पे क्या होगा, सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। तो कोई भी पूछता है बताओ भाई स्टेट पैरामीटर स्टेट वेरिएबल्स क्या है, तो वो वेरिएबल्स या वो पैरामीटर जिनकी वजह से सिस्टम की स्टेट बदल जाए आर कॉल्ड स्टेट पैरामीटर्स। बोलो किसी को कोई भी डाउट है यहां पर? पक्का नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के बारे में। अगर ये चीजें हमें पता चल गई है तो
तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। क्या होते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन? देखो सुनो, एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं उससे आपको समझाता हूं, है ना। एक एग्जांपल, एक इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। मेरा देखो, मेरा एग्जांपल है, मैंने लिया CH3CHBr and CS3, दिस इज एल्काइल हैलाइड और मैंने यहां पे लिया OH नेगेटिव। अब क्या होगा, या आप ले लो एक्वस के OH, एक ही बात है ना, और इससे क्या बनेगा CH3CH OH और CS3 plus Br नेगेटिव। बोलो दीखा, क्या पढ़िए ये रिएक्शन, है ना। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं, है ना। अब एक बात बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, एक हो सकती है SN1 से, एक हो सकती है SN2 से, है ना। लेकिन हमें क्या मतलब के SN1 से हो या SN2 से हो, हमें तो किससे मतलब है कि रिएक्टेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या बना। अगर हम डिटेल में ना जाएं तो हम लोग, जैसे मैंने बोला, इस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी है वो है -20 किलो जूल। कितनी है? -20 किलो जूल, है ना। यानी रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी वो थी 100 किलो जूल और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है यानी एंथैल्पी है वो है 80 किलो जूल। तो चेंज इन एंथैल्पी कितनी आई? -20 किलो जूल। बोलो यहां तक क्लियर है? अब एक चीज समझो, चाहे ये रिएक्शन SN1 से हो चाहे ये रिएक्शन SN2 से हो, चेंज इन एंथैल्पी हमेशा सेम रहेगी। और अगर चेंज इन एंथैल्पी सेम रही तो इसका क्या मतलब है कि भाई तरीका कैसा भी हो, हमें तो क्या चाहिए, एंथैल्पी देखनी है जो क्या हो रही है, सेम है। यानी वो फंक्शंस जिसमें ये डिपेंड नहीं हो रहा कि रिएक्शन SN1 से हो रही है या SN2 से, यानी रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पैरामीटर को, वो कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। यानी स्टेट फंक्शन कौन सा फंक्शन है जिसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है, कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? कैसे? देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, ये देखो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा गेट खुला हुआ है ना, ये मेरा घर है ना, होम स्वीट होम, ये मेरा घर है। मैंने यहां पर ये एक रेस्टोरेंट है ना, या एक होटल बोल दो, रेस्टोरेंट बोल दो, तो एक होटल है। अब हुआ क्या, मुझे लग रही थी भूख, मैं बैठा था अपने घर पे, मुझे लगी भूख, मुझे क्या करना है, खाना ऑर्डर करना है ना। अब बनाने के मैं मूड में नहीं हूं क्योंकि मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या किया, मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के कोई ऐप खोली फूड की, है ना। अब कोई फूड की ऐप खोली, जैसे जोमेटो स्विगी बहुत सारे होते हैं, एक ऐप खोली मैंने, ऐप खोल करके मैंने देखा, अच्छा कौन सा रेस्टोरेंट मेरे पास में, पास में पता पड़ा ये वाला रेस्टोरेंट, ये वाला होटल है। मैंने क्या किया, खाना ऑर्डर किया। जैसे ही मैंने खाना ऑर्डर किया तो होटल के पास ऑर्डर पहुंच गया, होटल ने खाना बनाना शुरू कर दिया। यहां पर मेरा डिलीवरी बॉय है ना, जो अपनी बाइक पर बैठा हुआ है, है ना, जो अपनी बाइक पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये बैठा हुआ है, दिख रहा है। मैंने इस डिलीवरी बॉय को कॉल की, मैंने कहा भाई देख सुन, मैंने खाना ऑर्डर किया है, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, अगर
तू 15 मिनट के अंदर मेरे पास खाना नहीं लेके आया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। खाना तो छोड़, मुझे इतनी भूख लग रही है। पाजला, मुझे किस चीज से मतलब है? ये मेरा घर है, खाना ऑर्डर हो गया, मुझे बस एक चीज से मतलब है, तू यहां से यहां आ रहा है 15 मिनट के अंदर। बड़ा यानी मुझे तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है। ये इनिशियल है जहां खाना बन रहा है, फाइनल मुझ पर पहुंचना चाहिए। मैंने टाइम दे दिया 15 मिनट के अंदर पहुंच जाए, अदरवाइज तेरी खैर नहीं। बोला ठीक है सर, है ना। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? स्ट्रेट फंक्शन। मुझे नहीं मतलब वो किस रास्ते से आएगा, कैसे आएगा, मुझे नहीं मतलब। मुझे क्या चाहिए? 15 मिनट में अपना खाना चाहिए, भूख लग रही है मुझे बहुत जोर से, है ना। ये तेरी बाइक भी छीन लूंगा, है ना। हाँ, सीधी सी बात। तो बोला ठीक है। अब इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, या तो सीधा सीधा चल के मेरे घर आ जाए, या ये बोला अरे मैं तो ऐसे घूमते फिरते और ऐसे आ जाए, है ना, या फिर ऐसे जाकर के चक्कर वक्कर काट के और तब आए मेरे पास। बहुत सारे रास्ते, पता चल रहा है। ये किसी भी रास्ते से मेरे पास आए, मुझे तो क्या मतलब है, मेरे पास खाना आना चाहिए 15 मिनट। लेकिन क्या इसके लिए ये बात मैटर कर रही है? इसको तो रास्ता देखना पड़ेगा ना, इसके लिए तो पाथ फॉलोड है ना, ये तो पाथ को फॉलो करेगा ना। ये बोलेगा भाई ऐसे रास्ते जाओ, 15 मिनट के अंदर पहुंच जाओ, पता पड़ा मेरी बाइक ही छीन ली और मुझे ही खा गया तो। अच्छा वैसे लोगों को काट काट के खा जा रहे हैं लोग, है ना। तो इसके लिए यहां से यहां खाना लाना कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। इसको पाथ देखना है, लेकिन क्या मुझे पाथ देखना है? तो मेरे लिए कैसा फंक्शन हुआ? स्टेट फंक्शन। दैट मीन्स स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करें, जैसे एंथैल्पी, जैसे डिस्प्लेसमेंट। ये यहां से यहां आ रहा है, मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसके लिए डिस्टेंस है कि कौन सा डिस्टेंस कवर करूं, समझ पा रहे हो, है ना। तो स्टेट फंक्शन कौन जो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करे, पाथ फंक्शन कौन जो पाथ डिपेंडेंट हो। जैसे वर्क, कोई काम करना। अब मुझे अगर कोई काम करना है तो वो काम मैं कैसे भी करूं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा होगा। मुझे मार्कर है, ये यहां पड़ा हुआ है, मुझे इसको खिसकाना है, या तो इधर खिसकाऊंगा या इधर खिसकाऊंगा, एक डायरेक्शन में होगा ना। या ऐसा है कि ये यहां पे है और यहां से सीधे वहां पहुंच गया, नहीं। तो वर्क क्या होता है? एक पाथ फंक्शन है। वर्क हमेशा पाथ को फॉलो करेगा। आप कोई भी वर्क करोगे, कोई भी काम करोगे, सपोज दैट मैं चल भी रहा हूं तो ये भी क्या, एक पाथ फंक्शन, मैं एक पाथ कवर कर रहा हूं, है ना। सेम हीट, एक जगह आग जल रही थी, मेरे पास लोहे की रॉड है, जैसे मैंने लोहे की रॉड को आग में लगाया वैसे मेरा हाथ जल गया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आग यहां से जंप करके यहां थोड़ी आ गई, या ये गर्म होकर के तुरंत यहां से गर्म होती, यहां गर्म थोड़ी हुआ। ये क्या करेगा? धीरे 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 गर्म होगा, हो सकता है 5-10 मिनट फिर हाथ जल जाए और मैं छोड़ दूं। तो देखो हीट ने भी क्या किया, एक पाथ को फॉलो किया। तो वर्क और हीट क्या करते हैं? हमेशा पाथ को फॉलो करते हैं। तो वर्क और हीट कैसे फंक्शन है? पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में दो ही ऐसे फंक्शन है जो पाथ फंक्शन है, एक है वर्क और दूसरा है हीट। उसको छोड़ के बाकी क्या है? स्टेट फंक्शन है। जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब कैसे फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। लेकिन वर्क और हीट कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। बोलो समझ आया? पक्का? एक बार इसको नोट करो, देन स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाता हूं, एग्जाम्पल लिखवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। करो जरा बच्चों नोट। चलो तो अब इनको लिख लेते हैं जरा, है ना। हेडिंग डालो स्टेट फंक्शन, हेडिंग डालो स्टेट फंक्शन। हमारी हेडिंग है बच्चों स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शंस जिनकी वैल्यू डिपेंड करे किसके ऊपर? सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? द फंक्शंस हुज वैल्यू, द फंक्शंस हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम किस पे डिपेंड करिए बच्चों? इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे। एंड
एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड यानी किस पाथ से काम हुआ है उस पर कोई डिपेंड नहीं कर रही. पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम. बोलो, यही बताया था. जो किस पर डिपेंड करे, खाली इनिशियल और फाइनल पे. पाथ पे कोई डिपेंड नहीं है कि पाथ कौन सा फॉलो कर रही है, क्या कर रही है. क्लियर है? अच्छा एक चीज सुनो, जितने भी स्टेट फंक्शन, बात आज के बाद याद रखना, जितने भी स्टेट फंक्शन है आप उनकी कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते. आप उनका हमेशा चेंज निकालोगे. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते. जैसे मानो मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, इंटरनल एनर्जी मतलब मेरे अंदर जो एनर्जी है उसकी बात कर रहा हूं, है ना. तो मैंने क्या किया, मैं सुबह सो के उठा, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मैं एनर्जेटिक था. अब मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, क्या कोई एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, या इस टाइम मेरे अंदर कितनी हो गई एनर्जी पता है. सिर्फ अभी क्या है, मैं सुबह उठा एनर्जेटिक था, रात को जब सोने जा रहा हूं हाय थक गए भाई, एकदम एनर्जी जीरो है ना, या एनर्जी बहुत कम है. तो हमने क्या बस चेंज बता पाते हैं कि पहले एनर्जी बहुत ज्यादा थी, अब एनर्जी क्या है, बहुत कम है. बोलो पता चल रहा है. तो अगर हम एक बात लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख रहा हूं, नोट डाल के देखना, यहां पे लाइट तो नहीं आ रही. नोट डाल के, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शंस, फुल स्टॉप. वी कैन ओनली कैलकुलेट इट्स चेंज, है ना, कैलकुलेट इट्स चेंज, है ना. इसका मतलब अगर हम लोग कभी भी स्टेट फंक्शन की बात करेंगे तो स्टेट फंक्शन में क्या होगा, स्टेट फंक्शन इक्वल्स टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट. बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे बोलो. अच्छा एग्जाम्पल बोलो, अगर हम स्टेट फंक्शंस का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे. सबसे पहला है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट होता है बेटा, कैपिटल यू से. दूसरा हम लिख देते हैं एंथैल्पी, किससे डिनोट होता है, कैपिटल एस से. थर्ड एंट्रोपी, किससे डिनोट होगा, कैपिटल एस से. गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, और भी लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम थर्मो में बात कर रहे हैं, थर्मो में इसी की बात करते हैं. बोलो पता पड़ा, शाबाश. अब देखो अगर हम बात करें पाथ फंक्शन की तो पाथ फंक्शन क्या होगा, अगर हम पाथ फंक्शन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, वो फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, पाथ डिपेंडेंट हो, वो क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा. तो सिंपल सी बात, दीज आर द फंक्शंस विच डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ फंक्शन, है ना. यहां लिखते हैं सेकंड, पाथ फंक्शन द फंक्शंस हुज वैल्यू इज पाथ डिपेंडेंट, जिनकी वैल्यू क्या होगी, पाथ डिपेंडेंट हो. जैसे एग्जाम्पल हीट जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं एंड वर्क जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे. बोलो समझ आया क्या, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, नहीं है, एक बार इसको नोट करो देन फिर आगे बढ़ते हैं. चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले हीट एंड वर्क के बारे में, है ना. देखो समझते हैं, हीट और वर्क के बारे में समझते हैं, ठीक है. देखो कोई मुझे बताएगा हीट और वर्क क्या है, हीट और वर्क है क्या. हाँ बोलो बोलो, हीट और वर्क क्या है,
हमारी हेडिंग है हीट, जिसको आप क्यू से डिनोट करते हो, एंड वर्क, जिसको आप डब्ल्यू से डिनोट करते हो। जरा मुझे बताओ क्या है हीट एंड वर्क, बोलो, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्या है हीट और वर्क, क्या है हीट और वर्क, एनर्जी। देखो सुनो, समझो, अगर हम हीट और वर्क की बात करें ना, तो हीट और वर्क एनर्जी नहीं है, हीट कोई एनर्जी नहीं है, वर्क भी कोई एनर्जी नहीं है। हाँ, रियल में हीट और वर्क कोई एनर्जी नहीं है। हीट और वर्क क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी जिसकी हेल्प से आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, वो है हीट और वर्क। जैसे हीट है, हीट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, क्या कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो इसका मतलब अगर हम हीट ऑफ वर्क की बात करें तो हीट एंड वर्क आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बोलो लिख सकते हैं, तो यहां लिख दूं, दे आर हीट एंड वर्क आर मोड ऑफ, हीट एंड वर्क आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट ऑफ वर्क क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने के एक तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। अब अगर हम यहीं पे हीट की बात करें, देखो सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हीट के बारे में, तो हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं है, थर्मल एनर्जी है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीट इज अ, हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, बोलो समझ पाए, बोलो क्लियर है। दूसरी चीज सुनो, हीट जो है वो एनर्जी का एक डिसऑर्डर्ड मोड है, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक डायरेक्शन में हीट दे रहे हो तो हीट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, वो फैल जाती है। हीट क्या होती है, फैल जाती है, तो इट इज अ डिसऑर्डर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हीट में हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिसऑर्डर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो लाइट आ रही है, आ रही है, बस एनर्जी पे आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो तीसरी चीज, देखो थर्ड चीज, हीट जो है वो ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ थर्मल एनर्जी है, लेकिन कब होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, है ना, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, है ना। तो हीट के थ्रू जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट या एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी, एनर्जी इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, बोलो समझ आया, कोई डाउट। चलो अगर हम लोग साइन की, साइन कन्वेंशन की बात करें, तो देखो साइन कन्वेंशन में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेके चल रहा हूं, तो किसी एक के तरीके से ही बताऊंगा, क्वेश्चन दोनों के हो जाएंगे, है ना, ठीक है। देखो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, साइन कन्वेंशन, तो एक बात देखो, हम लोग सारी चीजें बात कर रहे हैं, देखो केमिस्ट्री में सारी चीजें बात की जाती है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, फिजिक्स में सारी चीजें बात की जाती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना से डिफरेंस है ना। साइन डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर एक का बदलेगा तो दूसरे का भी बदलेगा, यानी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं केमिस्ट्री के उससे बता रहा हूं आपको, ठीक है। जब भी हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, तो फर्स्ट हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और सेकंड हम बात कर रहे हैं हीट रिलीज्ड बाय द
सिस्टम, अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो बताओ उसको फायदा हो रहा है नुकसान? फायदा होगा, हीट मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एनर्जी मिल रही है तो क्या होगा? फायदा होगा। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। अगर ये साइन कन्वेंशन तुम भूल गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखना। तो साइन कन्वेंशन आना चाहिए। अच्छा, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या कर रहा है? हीट को रिलीज कर रहा है, और सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो क्या होगा? उसको लॉस होगा। तो साइन कैसा लो? नेगेटिव लो। बोलो पता चला। अच्छा देखो, सुनो एक चीज और, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो हीट की यूनिट क्या होगी? हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना, तो एनर्जी ही तो ट्रांसफर हो रही है, तो एनर्जी की यूनिट होगी। क्या होती है एनर्जी की यूनिट? जूल। तो एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। और अदर यूनिट्स कौन सी होंगी? अदर यूनिट्स, अरे बोलो भाई, एनर्जी की अदर यूनिट इलेक्ट्रॉन, वोल्ट और कैलोरीज। कैलोरी भी है, एनर्जी की यूनिट है ना, जूल भी हो गई, और क्या होगी? एटमोस्फेयर, लीटर, ये भी एनर्जी की यूनिट हो गई। बताऊंगा एटमोस्फेयर लीटर कैसा है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, एक छोटी सी चीज और बताऊं क्या आपको? साइन कन्वेंशन लिख लिया हमने, बता देता हूं। देखो एक बात याद रखना, वन कैलोरी में, वन कैलोरी में आपका होता है 4.2 जूल। पता चल रहा है, ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है। अरे कन्वर्जन आपको नहीं आती ना, तो आप ये समझोगे फिर सत्यानाश, फिर भी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो साइन कन्वेंशन और एनर्जी कन्वर्जन, ये दोनों आनी यहाँ पे जरूरी है ना। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं वन एटमोस्फेयर लीटर, जब भी आप एटमोस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। भाई ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये दोनों कन्वर्जन, जिसमें सेकेंड वाली तो कुछ ज्यादा ही जरूरी है, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बात कर रहे हैं किसके बारे में? वर्क के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं वर्क के बारे में। अब वर्क क्या है? वर्क इज ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना, लेकिन कौन सी एनर्जी? एक्सेप्ट थर्मल एनर्जी, है ना, ठीक है, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ, वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज एक्सेप्ट थर्मल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी हो गई, रोटेशनल एनर्जी हो गई, ये सारी एनर्जी किससे ट्रांसफर, किसके थ्रू ट्रांसफर होंगी? वर्क के। जैसे कैसे, मैंने क्या किया, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पंखा चलाना है, मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिकल, अब मैंने वर्क किया ना, वर्क किया, स्विच ऑन किया, अब वर्क से क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ आई? पंखे में। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हुई? पंखा गोल गोल घूम रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पता चल रहा है, तो एनर्जी चेंज हो रही है ना, किसकी वजह से? वर्क की वजह से। बोलो पता चला। अच्छा, वर्क जो है ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑर्डर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? सुनो, पहले लिखता हूं फिर बताता हूं। वर्क इज अ ऑर्डर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जबकि हीट क्या थी? डिसऑर्डर्ड थी। इसका मतलब जब भी मैं कोई वर्क करूंगा ना, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर मेरे पास कोई भी चीज है, मैं उसको इधर पुश कर रहा हूं, तो अगर मैं इधर धक्का मार रहा हूं तो ऐसा नहीं हो वहां चला जाएगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही होगा, है ना, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में होगा। जितना वर्क लगाऊंगा उतना ही काम होगा, पता चल रहा है, उतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। चलो शाबाश। अब एक बात जो याद रखनी है, अगर मैं वर्क और हीट की बात करूं, तो वर्क को हीट में आप लोग
100% यानी कंप्लीटली वर्क को आप कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप हीट को कभी भी नॉट 100% वर्क में कभी भी कन्वर्ट कर नहीं सकते, कि वो कहीं ना कहीं लॉस होगी क्योंकि डिसऑर्डर्ड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क कैन बी कन्वर्टेड 100% इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड 100% इनटू वर्क। बोलो समझ आ रहा है, आसान है। अच्छा अगर यूनिट की बात करूं वर्क की, तो वर्क की यूनिट क्या होगी, सेम यही यूनिट होंगी। एक बार इसको नोट करो, देन वर्क की यूनिट और साइन कन्वेंशन लिखवाता हूं, है ना, करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और यहीं पे बात कर रहे हैं देखो अपन लोग, सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में, देन फिर यूनिट तो सेम है ना, तो सबसे पहले यहीं पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में है ना, जिसमें सबसे पहला, अगर आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है, या सेकंड है वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो बोलो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है। अगर एनर्जी लूज हो रही है तो कैसा साइन, नेगेटिव साइन। सेम वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है, और साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ पाए, अरे बोलो, शाबाश। अब वर्क में ही एक शब्द आता है जो है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, है ना, पहले वो समझो। देखो यहीं पे एक वर्ड आ रहा है वर्क में, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड होना, फैलना। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फैलना। अब एक बात बताओ, आपका सिलेंडर था, है ना, यहां बना देता हूं, है ना, आपको समझाने के लिए, इसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ था, एक पिस्टन लगा हुआ है, यहां पे गैस है। अब बताओ अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब पिस्टन ऊपर मूव कर रहा होगा, अगर पिस्टन मूव कर रहा है ऊपर तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा, ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, बाय द सिस्टम, गैस वर्क कर रही है तभी तो एक्सपेंशन हो रहा है, गैस वर्क नहीं करेगी तो क्या एक्सपेंशन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वर्क डन, हाँ वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको ये लिख के देंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वो बोल सकता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब एक्सपेंशन वर्ड दे दिया ना, तो वहीं से अंडरस्टूड होना चाहिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सेम यहीं पे देखो वर्ड आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है, कंप्रेस होना, कंप्रेस होना। अगर कंप्रेस हो रहा है तो गैस खुद से तो कंप्रेस होगी नहीं, आप ऊपर से कोई ना कोई प्रेशर डालोगे जिससे क्या होगा, कंप्रेस हो रहा है। अब बोलो क्या सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अरे बोलो हाँ या ना, और उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बोलो क्लियर है, शाबाश। अब देखो यहां पर हम लोग एक छोटी सी डेरिवेशन यानी एक वर्क का फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले मैं आपको यूनिट्स बता दूं अगेन, है ना। अगर हम लोग यूनिट्स ऑफ वर्क की बात करें, यूनिट्स ऑफ वर्क की बात करें, तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इज जूल। अदर यूनिट में क्या क्या आ जाएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर कैलोरीज या फिर एटमोस्फेयर लीटर। कन्वर्जन आपको पता ही है, कन्वर्जन आपने लिख ही लिया है ना। अब देखो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं वर्क डन के बारे में, है ना। देखो यहां से आपको बताता हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला कहां से आएगा, और हमने यूनिट जो है वो एटमोस्फेयर लीटर क्यों यूज किया ना। ठीक है, देखो यहां पे हमारी हेडिंग है, यहां डाल देता हूं, है ना, इसको मिटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है अपने को।
यहां पर मेरी हेडिंग है वर्क डन बाय द सिस्टम, या ऐसे लिखते हैं वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अभी सब समझाऊंगा कि क्या होता है इरिवर्सिबल, क्या आइसोथर्मल। देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, प्रोसेस वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अभी आपको मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाऊंगा आगे, तो रिवर्सिबल के लिए भी वर्क डन पढ़ोगे, इरिवर्सिबल के लिए अभी पढ़ रहे हो, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर बच्चों मेरे पास एक सिलेंडर है और उसमें मेरा एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, दिस इज द पिस्टन, इसके अंदर गैस भरी हुई है और गैस है तो गैस कोई प्रेशर भी लगा रही होगी, प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो किसका एग्जांपल है, एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन मतलब फैल रहा है, अगर फैल रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पिस्टन की पोजीशन जो है वो यहां पहुंच जाएगी, पिस्टन कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, यानी पिस्टन एक डिस्टेंस कवर करेगा कितना dx, है ना। बोलो ये पता पड़ा। अच्छा क्या मुझे एक बात बताओ, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो समझ पा रहे हो। अच्छा देखो यहां से यहां मूव कर रहा है तो वर्क छोटा हो रहा है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है, अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क छोटा होगा, तो dw लिख सकता हूं, dw इक्वल्स टू f इंटू dx। क्या यहां पे प्रेशर लग रहा है, क्या पे प्रेशर लग रहा है। अच्छा देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूं, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। तो इसको अगर मैं यहां लिखूं dw, तो dw क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। बोलो पता पड़ रहा है ना। ये प्रेशर किसका है, प्रेशर ऑफ गैस, है ना। तो प्रेशर ऑफ गैस ना, फोर्स क्यों लिख दिया मैंने, प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा एक बात बताओ, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बोलो। वॉल्यूम होता है, पता चल रहा है। एक चीज देखो, dw इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv, चेंज इन वॉल्यूम। अगर गैस प्रेशर लगा रही है इस जगह पर आकर के, पिस्टन अगर मूव करना बंद हो गया, इसका मतलब जो प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल हुआ, नेगेटिव ऑफ प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब कई बार एटमोस्फेरिक की जगह आप अपना खुद का प्रेशर भी तो लगा सकते हो, तो इसलिए हम उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। तो क्या मैं dw को लिख सकता हूं, dw इक्वल्स टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू dv, बोलो हाँ या ना। और देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमोस्फेयर। तो वर्क डन का फॉर्मूला आया, जरा देख ध्यान से देख के बताओ, वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। अगर कंप्रेशन हो रही होती तो क्या नेगेटिव साइन आता, नहीं आता ना, क्या साइन आता, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें डिसाइड करना है, हमें तो वर्क डन का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट्स इट। अब एक्सपेंशन हो रही तो माइनस आ जाएगा, कंप्रेशन हो रही तो प्लस आ जाएगा, दैट्स इट, कंफ्यूज मत होना यहां पर। अब देखो जरा प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वर्क डन, प्रेशर की यूनिट क्या है, एटमोस्फेयर, और वॉल्यूम की लीटर। इसलिए वर्क डन की एक यूनिट क्या थी, एटमोस्फेयर लीटर। और एक एटमोस्फेयर लीटर, अगर एक एटमोस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 101.3 जूल। अब इसको भी कैसे कन्वर्ट किया वो बता देता हूं, एटमोस्फेयर को अगर आप पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो एक एटमोस्फेयर में कितने पास्कल, 1.013 × 10^5 पास्कल। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10^6, जब उसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है, पता चल रहा है। तो इतना हमें बस ये बात याद रखनी है, बोलो समझ आया। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता पड़ा, पी डेल्टा वी,
या पीडीवी याद रख पाओगे पक्का? चलो इसको नोट करो, देन इंटरनल एनर्जी एंड देन फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, करो जरा नोट। चलो देखो हीट और वर्क हो गया अपना कंप्लीट, अब बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की। देखो हीट और वर्क हो गए, अब रह गया इंटरनल एनर्जी, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें हमें पता है तो फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, है ना, कि क्या होती है इंटरनल एनर्जी। तो चलो देखो बात करो, बताओ कोई बताएगा क्या होती है इंटरनल एनर्जी? हाँ सिस्टम की एनर्जी, बहुत अच्छे। और कुछ? जितनी भी पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है ना, वही क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जैसे आपके पास एक सिस्टम है तो उसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल है ना, तो गैस मॉलिक्यूल तो उस गैस के पास बहुत सारी एनर्जी होंगी, और वही कौन सी एनर्जी होगी, आपकी इंटरनल एनर्जी होगी, है ना। तो अगर हम लोग हेडिंग डालें तो हमारी हेडिंग है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल यू। इंटरनल एनर्जी को कैसे बोलेंगे, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो देखो द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, है ना। यानी अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सिस्टम की एनर्जी की बात है ना, है ना, प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस सो ऑन। बहुत सारी एनर्जी होती है भाई, है ना, कितनी लिखते रहेंगे, तो कुछ मेन एनर्जी लिख दी, तो इन सबका जो सम अप है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी, बोलो क्लियर है। चलो एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। अच्छा बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी। देखो सुनो, मेरे अंदर इंटरनल एनर्जी है, मेरे दो हाथ है, दो हाथ से मैंने 50 किलो वेट उठाया, क्या मैं अगर एक हाथ कट गया या यूज नहीं हुआ तो क्या एक हाथ से 50 किलो उठा पाऊंगा, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, एक कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो लिख सकता हूं, तो देखो इट इज, पहले ही लिख रहा हूं, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोलो समझ पा रहे हो? अच्छा सेकंड, इट इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना, एंड वी कैन ओनली कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा यू इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो पता चला, आसान था। नेक्स्ट देखो, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम
एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दैट इज यू इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एंट्रोपी किसका फंक्शन है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। इसीलिए जो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो वो पढ़ते हो एन सी वी डेल्टा टी। व्हाट इज सी वी? मोलर या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज डेल्टा टी? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और देखो नोट डाल के, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। कभी भी चेंज नहीं, मतलब चेंज तो उसका हमेशा जीरो ही रहेगा, है ना? क्या टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। देखो डेल्टा टी है ना, सेम टेम्परेचर डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? लास्ट फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे ए, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी और डी से फिर से क्या बन गया? तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम, है ना? यानी साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट इक्वल होगी किसके? फाइनल स्टेट के। और अगर दोनों स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस दे देगा, ए से बी की इंटरनल एनर्जी दे देगा, बी से सी की दे देगा, सी से डी और डी से ए, और बोलेगा बताओ फाइनल कितनी है, हम इनको जोड़ के बैठ जाएंगे, है ना? जबकि साइक्लिक में क्या होता है? जीरो होता है ना? टेम्परेचर बोल देगा बताओ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, अब डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली पूछते, बोलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो ये भी रिलेट करके बताऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चिंता मत करो, है ना? एक बार इसको जरा नोट करूं।